हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एस सी टीच पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड बताया था। इस वीडियो में हम आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर वन है हमारे सामने एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या है? एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हो, सॉल्यूशन करते हो, सबसे पहले हम करेंगे मानेंगे। तो माना x बराबर e की पावर z, अगर x बराबर e की पावर z है तो हम क्या लिख सकते हैं, z बराबर log बेस e पर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये मानना है, ठीक है। हमने ये मान लिया तो जब हमने इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था तब वहाँ पर जब हमने x बराबर e की पावर z माना था तो हमारे सामने क्या निकल के आया था, x की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n को हम क्या लिख रहे थे वहाँ पर, कैपिटल D d माइनस वन डी माइनस टू डैश 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 डी माइनस एन प्लस वन लिख रहे थे, ठीक है ना। और जहाँ पर d क्या था, इस d अपॉन डी जेड था, ठीक है ना। तो जब हमने ये मान लिया तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, d डी माइनस वन, ठीक है ना, एन माइनस वन तक घटाना है, दो है तो एक तक करना है माइनस, ठीक है, इंटू वाई माइनस का थ्री इंटू डी प्लस का फाइव, और यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ पर भी वाई, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने एक्स बराबर ई की पावर जेड माना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई की पावर टू जेड, और ये हो गया साइन लॉग एक्स बराबर क्या है, जेड है, तो इसको दे देंगे हम साइन जेड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे सामने इक्वेशन। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वाई कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस का थ्री डी प्लस फाइव इंटू वाई बराबर ई की पावर टू जेड इंटू साइन जेड, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं, क्या बचा, डी स्क्वायर माइनस का फोर डी प्लस फाइव इंटू वाई बराबर ई की पावर टू जेड इंटू साइन जेड। तो ये आ गया हमारे सामने इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या है हमारे सामने, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे सी एफ, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए हमें इसको चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ हम एम रख देंगे और इसको जीरो मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर ये हो गया माइनस का फाइव एम, इसको सॉरी इसको तो श्रीधराचार्य सोल्व कर लेते हैं। तो एम बराबर क्या गया, फोर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो ये क्या आया, फोर प्लस माइनस आयोटा टू अपॉन टू, ये क्या बच गया, टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमारे सामने एम के दो मान हैं, एक तो एम वन बराबर तो क्या आ गया, टू प्लस आयोटा, एम टू बराबर आ गया टू माइनस आयोटा। तो इसका सी एफ हम कैसे लिखते हैं, इसका सी एफ लिखेंगे हम क्या, ई की पावर ये होता है एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा वाली फॉर्म आ गई है, ठीक है ना। तो ई की पावर एल्फा एक्स आता था तो यहाँ पर क्या आएगा, ई की पावर टू एक्स की जगह क्या है, जेड आएगा, ठीक है। ये तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, सी वन कोस बीटा जेड, यानी बीटा की वैल्यू वन तो अंदर जेड बच जाएगा, प्लस सी टू साइन जेड, ठीक है। ये आ गया हमारे सामने इसका सी एफ, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका क्या, पी आई। पी आई निकालने के लिए आप क्या करना पड़ता है, वन अपॉन एफ डी है उसको क्यू इंटू जो फंक्शन ऑफ जेड आएगा उस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो वन अपॉन एफ डी तो क्या आपके सामने, डी स्क्वायर माइनस का फोर डी प्लस फाइव, ठीक है। क्यू जेड क्या आपके सामने, ई की पावर टू जेड इंटू साइन जेड, ठीक है। ये कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये बन गई e की पावर x इंटू वी वाली, ठीक है ना। जहाँ पर v क्या होता है, x का फंक्शन होता है, यहाँ पर x का क्या है, z है, ठीक है। तो उसको हम क्या सोल्व करते हैं, e की पावर 2z तो आ जाएगा पहले, और जहाँ जहाँ d है वो हम क्या रख देंगे, d प्लस a रख देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 2, तो d की जगह रख देंगे हम d प्लस 2, तो ये हो गया स्क्वायर माइनस का 4 d प्लस 2 प्लस का 5, ठीक है। ये बच गया क्या, साइन जेड। इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 2z, ये क्या हो गया बटा में डी स्क्वायर प्लस का 4 डी माइनस का 4 डी माइनस का 8 प्लस 5, ठीक है। और हो गया साइन जेड e की पावर 2z, इसे सोल्व करते तो क्या बच गया, डी स्क्वायर 4 डी से 4 डी कैंसिल आउट, ये हो गया प्लस का 1 इंटू साइन जेड।
ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, साइन एक्स वाले को, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर हम क्या रख देते हैं माइनस का ए स्क्वायर रख देते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो डी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 रख देंगे तो 0 हो जाता है। तो 0 वाली कंडीशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, 0 वाली कंडीशन को सोल्व करते हैं हम एक्स अपॉन 2a माइनस का एक्स अपॉन 2a कोस जेड से, ठीक है ना। तो माइनस का एक्स अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू कोस ए जेड होता है, ए की वैल्यू 1 और ये जेड हो गया, ठीक है। तो हमारे सामने क्या निकल गया है इसका आंसर, सॉरी एक्स नहीं यहाँ पर आएगा जेड, जेड लेके चल रहे हैं ना, तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर डी अपॉन डी जेड लिया है तो यहाँ पर जेड आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे सामने, माइनस का जेड ई की पावर 2z कोस जेड अपॉन 2, ये आ गया हमारे सामने पी ए। तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई बराबर सी एफ प्लस पी ए होता है पूरा सॉल्यूशन। तो हम पूरा सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सी एफ तो आया था हमारे सामने क्या, ई की पावर 2z सी वन कोस जेड प्लस सी टू साइन जेड, ठीक है। और ये आ गया माइनस का जेड ई की पावर 2z कोस जेड अपॉन 2। अब हमें यह करना है, हमने शुरू शुरू में क्या माना था, एक्स बराबर ई की पावर जेड माना था, तो जहाँ और जेड बराबर क्या आया था हमारे सामने, लॉग एक्स, ठीक है ना। हमें आंसर तो एक्स में ही चाहिए ना, तो जहाँ जहाँ जेड है वहाँ हम क्या रख देंगे, लॉग एक्स रख देंगे। तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, यहाँ हम लॉग एक्स रख देंगे तो क्या होगा, 2 तो एक्स की पावर में चला जाएगा और ई लॉग बेस ई पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, सी वन कोस जेड की जगह लॉग एक्स आ जाएगा, कोस लॉग एक्स प्लस सी टू साइन लॉग एक्स, ठीक है। ये माइनस के अंदर ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर माइनस का जेड की जगह तो क्या जाएगा, लॉग एक्स आ गया, ठीक है। ई की पावर 2z की जगह तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कोस की जगह तो यहाँ पे कोस लॉग एक्स आ जाएगा अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे सामने से क्या आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर साइन लॉग एक्स। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये होमोजीनियस तो दिख रही है हमको, होमोजीनियस के लिए क्या होना चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए इन दोनों की, ठीक है ना। तो हमें क्या दिख रहा है कि सब में से एक्स कॉमन आ रहा है, तो हम पहले इसको होमोजीनियस बना लेते हैं। कैसे, एक्स कॉमन लेके इस डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये होमोजीनियस बन जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई बराबर साइन लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब ये बन गई हमारे सामने क्या, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी से हम कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर क्या है, e की पावर z है, तो हम z बराबर क्या लिख सकते हैं, log बेस e पर x भी लिख सकते हैं इसको। जब ये मान लेते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख देंगे हम डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3d प्लस 3dy प्लस वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन जहाँ जहाँ लोग x है वहाँ हम रख देंगे z, जहाँ x है वहाँ आ जाएगा e की पावर z। जैसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, y को मूल ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस का d प्लस का 3d प्लस का 1 इंटू वाई बराबर ई ऊपर आ जाएगा ई की पावर माइनस का जेड, और ये हो गया साइन जेड, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस का 2d प्लस 1 इंटू वाई बराबर ई की पावर माइनस का जेड साइन जेड, ठीक है। इस इज द इक्वेशन 2, ये आ गया हमारे सामने, ये कॉन्स्टेंट कोफिशियंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे इसका। सी एफ के लिए वही हम इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, जहाँ डी है वहाँ हम एम रख देंगे। आपको एक बात ध्यान रखनी है, पर कैपिटल डी का लिया हमने डी अपॉन डी जेड लिया है, ठीक है ना। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है, यहाँ पर एक्स वैक्स नहीं आएगा, यहाँ पर अब जेड आएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई, एम स्क्वायर प्लस का 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सीधा सीधा दिख रहा है हमें क्या है, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये बराबर 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, माइनस 1 और माइनस 1 आ गई, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। जो सी एफ कैसे लिखते हैं हम, सेम आ जाती है तो वैल्यू, जब मूल समान है तो c1 प्लस जेड c2 e की पावर माइनस जेड, ठीक है। इस तरह देंगे हम इक्वेशन 3, ये हो गया इसका सी एफ, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका पी आई, तो पी आई कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ जो d है इंटू क्यू जेड हो गया,
इसकी वैल्यू चाहिए हमें। तो फंक्शन ऑफ डी क्या हो गया हमारे सामने, डी स्क्वायर प्लस का 2d+1 इंटू ई की पावर माइनस का जेड इंटू साइन जेड। अब ये वो वाली वापस आ गया, ई की पावर एक्स इंटू कुछ भी वी हो जाए उसके गुणा के अंदर, एक्स का फंक्शन हो, यहाँ पर एक्स की जगह जेड है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ई की पावर माइनस जेड को तो ले लेंगे पहले, और ये नीचे क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ डी है वहाँ रख देंगे कि हम डी प्लस ए रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो डी माइनस 1 रख देंगे जहाँ जहाँ डी है। तो यहाँ रख देंगे डी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 डी माइनस 1 प्लस का 1 इंटू क्या है साइन जेड, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, ये आगे ई की पावर माइनस का जेड, इसको सोल्व कर लेते हैं, नीचे क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2d प्लस का 2d माइनस का 2 प्लस का 1 इंटू साइन जेड बराबर ई की पावर माइनस जेड। तो ये हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर, 2d से 2d कैंसिल, 2 और ये 0 हो गया, प्लस 0 हो गया इसके प्लस में, तो इंटू साइन जेड। अब इसे कैसे सोल्व करते हैं, जब साइन जेड आ जाए तो ये केस 2 हो गया शायद, है ना, केस 2 है ये। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, जेड के गुणांक कितना है 1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस का ए स्क्वायर रख देते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो हम क्या रख देंगे, -1 डी स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो क्या सोल्व हो जाएगा, ए की पावर माइनस का जेड 1 अपॉन माइनस का 1 इंटू साइन जेड। तो हमारे सामने क्या वैल्यू निकल के इसकी, माइनस ई की पावर माइनस जेड इंटू साइन जेड, ये आ गया हमारे सामने क्या, पी ए। इसका पूरा सोल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, सी एफ प्लस पी ए कर देंगे, ठीक है। सी एफ तो क्या निकल के आया था हमारे सामने, सी वन प्लस जेड सी टू ई की पावर माइनस जेड प्लस पी ए क्या है, माइनस का ई की पावर माइनस जेड साइन जेड, ठीक है। अब जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, लॉग बेस ई पर एक्स रख देंगे वापस, ठीक है ना। हमें सॉल्यूशन तो एक्स में ही चाहिए, ये तो हमने मान लिया था इसलिए जेड आ रहा है इसके अंदर। तो सी वन प्लस जेड की जगह क्या आ गया, लॉग बेस ई पर एक्स इंटू सी टू हो गया, और ई की पावर माइनस का लॉग एक्स रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स ही आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस सॉरी प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स इनवर्स आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन लॉग बेस ई पर एक्स, ठीक है। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सी वन प्लस सी टू लॉग बेस ई पर एक्स, एक्स इनवर्स माइनस का एक्स इनवर्स साइन लॉग बेस ई पर एक्स। तो इस प्रकार से आप कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर उसका आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको उसका मेथड जानना है तो आप इससे हमारे पिछले वीडियो में जाके देखें, हमने उसके मेथड भी आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।